राजा महाराजाओं के समय शिकार किए गए जानवर का सर काट कर दीवार पे लगाना या उसकी खाल को चिपकाना शान का प्रतीक माना जाता था। लेकिन राजा महाराजा गए, उनकी शान और शौकत गई और एक गंदी प्रथा भी बंद हुई। दुनिया के देशों ने अब इस प्रकार की हंटिंग ट्रॉफीज को बैन कर दिया है, लेकिन ये हंटिंग ट्रॉफीज कारण बन गई है जर्मनी और बोत्सवाना के बीच विवाद का। मामला क्या है? दरअसल अफ्रीकी राष्ट्र बोत्सवाना में दुनिया के सबसे दिखाती रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 130,000 है और लगातार बढ़ रही है, जिससे वहाँ हाथी फसल नष्ट कर रहे हैं और मानवों के साथ संघर्ष हो रहा है। जिसके बाद बोत्सवाना सरकार ने हाथियों के शिकार पर से बैन हटा दिया और वहाँ दुनिया भर के शिकारी आते हैं, हाथियों को मारते हैं और अपने साथ हाथियों की ट्रॉफीज को, खाल को, मांस को अपने साथ अपने देश ले जाते हैं। लेकिन वहीं जर्मनी और ब्रिटेन इस प्रकार की हंटिंग ट्रॉफी का आयात अपने देश में नहीं करना चाहते और इसके लिए वो कानून बना रहे हैं। बोत्सवाना सरकार का मानना है कि अगर यूरोप ने ऐसा कानून बनाया तो उसके यहाँ हाथियों की संख्या और बढ़ती जाएगी और लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। बोत्सवाना पहले भी अपनी हाथियों की संख्या कम करने के लिए पड़ोसी देश अंगोला को और मोजाम्बिक को हाथी सप्लाई कर चुका है, लेकिन यूरोपियन देश द्वारा लगाए जा रहे इस बैन के बाद बोत्सवाना के राष्ट्रपति का पारा चढ़ गया है। उन्हें कहा है कि हाथियों के संग रहना कितना मुश्किल होता है ये जर्मनी नहीं जानता। अगर जर्मनी कहे तो 20,000 हाथी हम जर्मनी को भेजते हैं, वो उनके साथ रह के देखें।